ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। टीएससी फाइनल ईयर इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट चल रही है एचएसई की, और उसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं। एप्लीकेशन साफ एचएसई भी चल रहा है हमारा। एप्लीकेशन चल रहे हैं एचएसई के, और एचएसई एप्लीकेशन सारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हमने लास्ट खनिजों की प्राप्ति के बारे में किया हुआ था कि खनिज जो है वो किस रूप में पाए जाते हैं, खनिज किस रूप में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, वो एचएसएबी के द्वारा हमने समझा था। जैसे हमने लास्ट इसके अंदर किया था खनिज प्राप्ति में, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या फिर एल्यूमिनियम है, ये जो है मोस्टली कार्बोनेट के रूप में और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, और एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिना के रूप में, Al2O3 2H2 इस रूप में पाए जाते हैं खनिज के रूप में। ठीक है, अभी क्यों पाए जाते हैं इस रूप में वो HSAB के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि HSAB कहता है हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है हमने लास्ट किया हुआ है कि इनकी प्रवृत्ति हमें देखनी होगी कि कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो है ये कैसे आयन है, ये कठोर एसिड है, मृदु एसिड है या क्या है। तो देखो यहाँ पर Ca+2 जो है ये हार्ड एसिड कैटेगरी में आता है, कठोर अम्ल है, तो कार्बोनेट क्या है यहाँ पर हार्ड बेस हो गया। ऐसे ही ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस हो गया। एल्यूमिनियम जो है ये क्या है आपका हार्ड एसिड है, और ऑक्सीजन आपका जो है हार्ड बेस हो गया, तो ये समान क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या है इस रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ही जैसे कहा जाए यहाँ पर कोई एग्जांपल लेके, जैसे अपन ने कहा कॉपर और सिल्वर जो हैं वो जो है मृदु अम्ल होते हैं, तो ये क्या है सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में, जैसे CuS, AgS। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है सॉफ्ट एसिड है और सल्फर जो है सॉफ्ट बेस है। ऐसे ही कॉपर के अंदर होगा, कॉपर जो है सॉफ्ट एसिड है और सल्फर जो है वो सॉफ्ट बेस है। तो ये था खनिजों की प्राप्ति की, खनिज जो है भूपर्पटी के अंदर किस रूप में पाए जाते हैं और क्यों इस रूप में मिलते हैं। तो वो HSAB का एप्लीकेशन हमने देखा कि दोनों की समान पारस्परिक क्रिया होने के कारण ऐसा होता है, यानी हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ खनिज के रूप में यौगिक बनाकर पाया जाता है, यानी खनिज क्या है उस रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं HSAB का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करना। अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करना, यानी HSAB सिद्धांत के द्वारा हम कोई रिएक्शन है उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी दिशा को बताया जा सकता है वो अग्र दिशा में रिएक्शन जाएगी या फिर पश्चिम दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड होगी। अब HSAB के द्वारा उसे कैसे समझाया जाता है तो उसको देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर इसके लिए, H++ CH3HGOH इससे बन रहा है H2O प्लस CH3HG प्लस, ये रिएक्शन है।
और अपन से कहा गया कि HSAB सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी या फिर पश्चिम दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट पारस्परिक क्रिया हो रही है, जिधर जाने पर स्टेबल यौगिक का निर्माण हो रहा है, स्थायी यौगिक बन रहा है, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। तो देखो हम देखते हैं H प्लस जो है हमारा ये कठोर अम्ल होता है, हार्ड एसिड, H प्लस हार्ड एसिड होता है, पढ़ा हुआ है। CH3 Hg प्लस जो है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो है हमारा CH3 Hg प्लस जो है ये हमारा मृदु एसिड की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? मृदु एसिड की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये हो गया सॉफ्ट एसिड, ठीक है। अब ये यहाँ पर मृदु एसिड हो गया और OH जो है ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हार्ड एसिड है, क्या है, कठोर अम्ल है। अब देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड। अगर ये सॉफ्ट सॉफ्ट होते या हार्ड हार्ड होते तो कॉम्प्लेक्स ठीक होता। अब जब H प्लस इसके साथ रिएक्शन कर रहा है पूरे यौगिक के साथ, CH3HgOH के साथ, तो देखो ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये क्या है, हटना चाहेगा यहाँ से, जैसे इसको खुद के जैसा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हार्ड एसिड H प्लस, इसके अंदर इसको हम देखें तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस होता है, तोड़ दिया हमने H2O को। अब देखो यहाँ पर हार्ड एसिड H जो है ये क्या है हमारा, ये हार्ड एसिड है, कठोर अम्ल हो गया ये, और इसके अंदर CH3Hg प्लस है, ये क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो देखो इधर जो यौगिक है अगर सामने की तरफ जा रहे हैं तो सामने की तरफ जाने से देखो ये क्या हो रहा है, OH क्या है हमारा, ये भी हार्ड बेस है। तो समान पारस्परिक क्रिया हो गई, कठोर कठोर के साथ मिल गया और कठोर कठोर के साथ मिलने से स्थायी यौगिक बन रहा है, स्टेबल। और यहां पर अगर इस रिएक्शन को इधर से देखा जाए बैकवर्ड डायरेक्शन में उल्टा करके, इनसे रिएक्शन करवा कर ये बन सकता है क्या उत्पाद, ये उत्पाद नहीं बनेगा क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है और यहां पर क्या है, OH जो है इसमें जो उपस्थित है ये हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन पश्चिम दिशा में नहीं आ सकती। ये जो अभिक्रिया है ये अग्र दिशा में जाएगी क्योंकि यहां पर सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है जो कि अनस्टेबल है, और इधर की तरफ जाते हैं आगे की तरफ तो ये स्टेबल कॉम्बिनेशन बनता है हार्ड हार्ड का, हार्ड अम्ल हार्ड क्षार की क्रिया करके H2O बना लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन दी हुई है ये अग्र दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम दिशा पता चल गई कि अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ आएगी। तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये अग्र दिशा में जाएगी, रीजन यहाँ पर H2O में H प्लस OH माइनस दोनों हार्ड हार्ड है, हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉम्बिनेशन है। या अगर ये पश्चिम दिशा में आती तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन समान होता, लेकिन यहाँ पर असमान कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट हार्ड के साथ, इसलिए ये अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन ये जो है आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, अग्र दिशा में जाएगी अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पर, H प्लस प्लस CH3HgSH H2S प्लस CH3Hg प्लस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इस रिएक्शन का भी हमें दिशा का ज्ञान बताना है, ये आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। तो हमें ध्यान क्या रखना है, वही हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन देखना है, कहाँ पर स्टेबल हो रहा है कहाँ अनस्टेबल हो रहा है। तो देखो यहाँ पर H ऑलरेडी क्या है, ये हार्ड एसिड है, HA बार बार आ रहा है, HA मतलब हार्ड एसिड और HB मतलब हार्ड बेस,
एस ए मतलब सॉफ्ट एसिड, और एस बी का मतलब होता है सॉफ्ट बेस। ये चीजें मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ सारी। एच ए मतलब हार्ड एसिड, एच बी हार्ड बेस, एस ए सॉफ्ट एसिड और एस बी सॉफ्ट बेस। ये सबको क्लियर हो जाने चाहिए दिमाग के अंदर। ये हार्ड एसिड है एच ए जो है, यहाँ पर सी एच थ्री एच जी हमने पहले देखा हुआ है, सॉफ्ट एसिड होता है एस ए। एस एच जो होता है ये सॉफ्ट बेस होता है, क्या होता है मृदु क्षार। अब ये जो सॉफ्ट बेस है इधर की तरफ जाते हैं आगे, एच टू एस को तोड़ते हैं तो एच प्लस एस एच माइनस आता है, ये बनता है। तो देखो यहाँ पर ये हार्ड एसिड हो गया और एस एच ये रहा सॉफ्ट बेस, क्या हो गया सॉफ्ट बेस। और ये क्या है यहाँ पर, ये ऑलरेडी सॉफ्ट एसिड है, क्या ये सॉफ्ट एसिड। तो देखो जिधर कॉम्बिनेशन सेम हो रहा है, जहां स्थाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है उधर की तरफ रिएक्शन जाएगी। अगर हम इनको क्रियाकारक मान के इनको उत्पाद मान रहे हैं, यानी रिएक्शन आगे की तरफ चलाएं, तो हमें देखना होगा यहाँ पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है और यहाँ पर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल, तो रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जाएगी, रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी। ये जो सॉफ्ट एसिड है ये सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करेगा और ये बना लेगा, तो इसलिए ये अभिक्रिया पीछे की तरफ आएगी, नहीं कि आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है जिधर समान पारस्परिक क्रिया है उधर ही रिएक्शन जाती है, तो आगे की तरफ ये अनस्टेबल हो रहा है और यहाँ पर ये स्टेबल हो, तो ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी आर बी। ठीक है, तो इस तरह से हम एच एस ए बी के द्वारा अभिक्रिया की अग्रिया पश्च दिशा का जानकारी ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, पिछला एग्जाम्पल जो था वो आगे की तरफ जाएगा, कारण यहाँ पर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है, दोनों क्या है अलग होना चाहते हैं, समान प्रवृत्ति नहीं है दोनों की, ये कठोर है ये मृदु है, ये यहाँ पर मृदु अम्ल है, तो ये मृदु अम्ल इसके साथ क्रिया कर लेगा सॉफ्ट एसिड के साथ, मृदु अम्ल के साथ, और ये एक स्टेबल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, मृदु अम्ल मृदु क्षार। इसलिए ये रिएक्शन जो है पीछे की तरफ आएगी बैक डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये थी दिशा के बारे में। अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं हाइड्रोजन एनहाइड्रो का स्थायित्व, इसी में अगला एप्लीकेशन है एचएसएबी में ही। देखो अगला एप्लीकेशन है हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व। हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व, तो देखो हाइड्रोजन हैलाइडों की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये हैलाइड है, हमें एच एक्स देखना है। तो एच एक्स में देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एच एफ, एफ लगा दिया एक्स की जगह, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ये चार हाइड्रोजन हैलाइड बनेंगे, हैलोजन अम्ल जिसको हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए स्थायित्व की बात, तो स्थायित्व हम देखेंगे जहां पर हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट है वो मोर स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो देखो हाइड्रोजन सब में है, तो हाइड्रोजन तो कैसा हो गया हार्ड एसिड। अब देखो इधर जाते हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों की तीनों क्या है सॉफ्ट है, क्या है सॉफ्ट, तो यहां पर क्या होगा ये हार्ड एसिड है सबके अंदर, और ये क्या हो जाएगा सॉफ्ट बेस। इसी तरह से ये हार्ड एसिड हो जाएगा, ये सॉफ्ट बेस हो जाएगा, और ये हार्ड एसिड हो जाएगा और ये सॉफ्ट बेस, जिसका सबसे बड़ा आकार है वो सबसे क्या है बीच में चला जाएगा। तो अगर इनके स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल एच एफ होगा, क्या होगा उसके बाद एच सी एल, उसके बाद एच बी आर, और सबसे कम हो जाएगा एच आई। तो ये हो गया
स्थायित्व का क्रम। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व। HF जो है सबसे ज्यादा स्थायी है क्योंकि ये हार्ड हार्ड है, हार्ड एसिड, और ये वाला हार्ड बेस, तो ये समान पारस्परिक क्रिया हो रही है कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी। उसके बाद हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पर फिर इनको देखना है इसका आकार बढ़ रहा है, इसका कम है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है, तो यहाँ पर ये ज्यादा स्थायी होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाए। तो इस तरह से हम HX या हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसके अंदर। Cu+2 व Cd+2 का पृथक्करण, Cu+2 एंड Cd+2 का पृथक्करण। अब देखो इसको क्या है, HCN के उसके द्वारा समझते हैं हम, या KCN ले लें यहाँ पर। Cu+2 और Cd+2 मिश्रण का जो विलयन है उसकी रिएक्शन KCN के साथ करवा देते हैं, या KCN की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तो Cu की रिएक्शन जब KCN के साथ करवाते हैं, या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ KCN को आयनित कर दिया K+ + CN-। ठीक है, और CN- में कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या है, CN- जो है एज ए सॉफ्ट बेस काम करेगा। कैसे काम करेगा, मृदु छाल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मृदु छाल की तरह कार्य करके Cu के साथ रिएक्शन करता है, Cu+2, इसको नीचे लिख देते हैं, Cu+2 प्लस CN-। तो यहां पर जैसे 2CN ले लिया तो अपने पास क्या बन जाएगा, CuCN, फोर ले लेते हैं, ऑल 4-2। इसके अंदर वही ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए जो इधर दिख रहा है +2, तो यहां पर देखो इसका +2 ही होना चाहिए क्योंकि X-4, एक CN पर -1 है, तो 4 का -4 हो गया, ±- करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2, तो X=, उधर ले गए +4 - 2, +2 ही रहनी चाहिए। ठीक है, 4 - 2 = +2, अब +2 यहाँ पे रहनी चाहिए जो इधर की तरफ है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट रहनी चाहिए +2 के अंदर। ठीक है, इसने ये बना लिया कॉपर ने यहाँ पर, तो इसके बाद दूसरा है यहाँ पर कैडमियम सीडी। अब Cd+2 भी क्या करता है, 4CN के साथ रिएक्शन करके CdCN का हॉल 4-2, और यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है अभी भी ऑलरेडी +2 है। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, Cu+2 और Cd+2, ये दोनों विलयन के अंदर घुले हुए हैं, और KCN के प्रेजेंस में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है, H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर जो है वो यहाँ पर सल्फर के प्रति कोई वरीयता नहीं रखता है। क्या नहीं करता है, कोई वरीयता नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो Cu जो है ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड, और CN जो है सॉफ्ट बेस। ठीक है, इसमें भी सेम कार्य हो रहा है, ये भी मृदु अम्ल है और ये भी मृदु क्षार है, लेकिन यहाँ पर वरीयता देखनी है कि कॉपर क्या है, CN को वरीयता देता है, न कि सल्फर को, S-2 को, जबकि कैडमियम जो है
ये क्या करता है, यहाँ पर सल्फर को वरीयता देता है और उसके साथ बंध बनाकर कैडमियम सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, CD Cn का होल 4 माइनस 2 प्लस H2S। H2S गैस प्रोवाइड की, तो H2S गैस प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ये जो है CdS में कन्वर्ट हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड CdS प्लस 2HCn प्लस 2Cn माइनस, 4Cn है, दो यहाँ काम आ गए, दो यहाँ बच गए, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक कैडमियम है, एक सल्फाइड ही है, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर कैडमियम जो है वो सल्फर यानी एस माइनस टू सल्फाइड को वरीयता देता है सीएन के कंपैरिजन में, एस को वरीयता देता है न कि सीएन माइनस टू। तो देखो जब विलयन में दोनों घुले हुए हैं तो क्या होगा, विलयन में जब KCN के प्रेजेंस में H2S गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, आपको कैडमियम सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी Cd+2 अलग हो गया भाई। इसके अंदर अगर आप जब भी ध्यान देखें तो Cd+2 और S-2, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, तो ये वरीयता के ऊपर इसको पृथक किया जाता है कि कैडमियम जो है वो सल्फाइड को वरीयता देकर कैडमियम सल्फाइड बना लेता है। तो जब विलयन में KCN के प्रेजेंस में, इनका विलयन है दोनों का, और KCN के प्रेजेंस में जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तो कैडमियम सल्फाइड का अवक्षय प्राप्त हो जाता है या कैडमियम सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ज्यादा स्थायी प्रदर्शित करता है इसके कंपैरिजन। ठीक, तो ये था आपका Cu+2 और Cd+2 का पृथक्करण कैसे किया जाता है, जब दोनों के विलयन को KCN के प्रेजेंस में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो CdS प्राप्त हो जाता है कैडमियम का सल्फाइड। तो Cd+2 अलग आ गया, अब विलयन में क्या रह गया, Cu+2, ये वाला कॉम्प्लेक्स रह गया। ठीक है, तो इस तरह से इनको पृथक किया जा सकता है। इसकी रिएक्शन को अगर हम देखें कि किस तरह से क्या हो रहा है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो Cu+2 प्लस Cd+2, ये भी लिक्विड यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में है, इनको क्या है H2S गैस प्रवाहित की KCN के प्रेजेंस में, इसके KCN पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको यहां पर CdS प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, और कॉपर सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा और तो हमें CdS प्राप्त हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे जिनको हमने HSAB के अंदर देखा। ठीक है, तो सारे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, एक एक को अच्छे से करना है। एक तो ये वाला एप्लीकेशन, एक स्थायित्व वाला एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशंस अच्छे से होने चाहिए, एग्जाम के अंदर आते हैं।